Assalamu alaikum. My name is Dr. Zoya and I have done my residency in dermatology. आज की वीडियो में हम जल्द की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि काफी कॉमन है. मैं बात कर रही हूँ मिलाजमा की. जी हाँ, जिसे छाइयाँ कहते हैं. मिलाजमा एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो कि मरीजों के लिए परसिस्टेंट स्ट्रेस का बायस होती है. सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज मिलाजमा. मिलाजमा जल्द की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जल्द पर ब्राउन, डार्क ब्राउन टू ग्रे ब्राउन पैचेस बन जाते हैं, जो कि स्पेशली चीक्स, नेजल ब्रिज, फोरहेड और चिन को इन्वॉल्व करते हैं. इसके अलावा जल्द के ऐसे हिस्से जो कि सन एक्सपोज होते हैं, जैसे कि फोर आर्म्स और नेक, इन पर भी मिलाजमा हो सकता है. अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिलाजमा किन लोगों में ज्यादा होता है. ख्वातीन में मर्दों के मुकाबले में मिलाजमा ज्यादा होता है. इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मिलाजमा के मरीजों में सिर्फ 10% मर्द होते हैं. इसके अलावा जिन लोगों की स्किन डार्क टाइप होती है, जैसा कि हम एशियंस, इनमें भी मिलाजमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसी तरह प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मिलाजमा. सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज स्किन में मौजूद मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं और मिलाजमा का बायस बनती हैं. यही वजह है कि गर्मियों में मिलाजमा ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस भी मिलाजमा ज्यादा हो जाता है. ये अक्सर ख्वातीन ही आपने देखा होगा. बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी मिलाजमा को ट्रिगर करती हैं. जिन लोगों में मिलाजमा ज्यादा हो उन्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ खास किस्म की स्किन केयर प्रोडक्ट्स और वाइटनिंग क्रीम्स मिलाजमा को ज्यादा कर सकती हैं. अब बात करते हैं मिलाजमा की ट्रीटमेंट की. मिलाजमा की मैनेजमेंट में सेल्फ केयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो लेट्स डिस्कस टिप्स फॉर सेल्फ केयर. मोस्ट कॉमन प्रिकॉशन इन मिलाजमा इज सन प्रोटेक्शन. हर रोज सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, इवन ऑन क्लाउडी डेज. एक ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जो SPF 30 या उससे ज्यादा हो और इसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड मौजूद हो. सूरज में निकलने से 15 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई करें और हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करें. एक रीसेंट स्टडी में ये बात साबित हुई है कि मिलाजमा के पेशेंट्स में सिर्फ सनस्क्रीन काफी नहीं, इसीलिए बाहर निकलते वक्त वाइड ब्रिम्ड हैट और सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहने. ऐसी स्किन प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन को इरिटेट करें, इनको अवॉइड करें. वैक्सिंग जिल्द की इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है और मिलाजमा को वर्सन करती है, लिहाजा जिस्म के जिन हिस्सों पर मिलाजमा हो इन पर वैक्सिंग से परहेज करें. अब बात मिलाजमा की मेडिकल ट्रीटमेंट की करते हैं. मिलाजमा के लिए हम सबसे जो कॉमन दवाई यूज करते हैं उसे हाइड्रोक्विनोन कहते हैं. हाइड्रोक्विनोन क्रीम, जेल और लोशन की फॉर्म में अवेलेबल है और डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आती है, लेकिन हाइड्रोक्विनोन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा ट्रेटिनोइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी मिलाजमा की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं. सेकेंड लाइन में एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जिसमें ट्रेटिनोइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और हाइड्रोक्विनोन शामिल होते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट आपको 1 to 2 months के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं. इसके अलावा एजैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ट्रानेक्सामिक एसिड भी मिलाजमा की ट्रीटमेंट में शामिल हैं. इस ट्रीटमेंट के बावजूद अगर मिलाजमा ठीक नहीं होता तो हम प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं. प्रोसीजर्स में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले केमिकल पील्स हैं. केमिकल पील्स में एक खास किस्म का केमिकल आपकी स्किन पर अप्लाई किया जाता है, जिसको कुछ मिनट्स के लिए छोड़ा जाता है.
और बाद में उसको रिमूव कर लिया जाता है। इसके कुछ सेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट डर्माब्रेजन और पीआरपी और मीजोथेरेपी भी इसकी ट्रीटमेंट में शामिल हैं। टेक होम मैसेज ये है कि मेलास्मा का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक चलेंगे और ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।